सबसे खास बात यह है कि इस राउत नृत्य में देखिए बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, आपके प्रौढ़ व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी कौन होते हैं? पुरुष। अर्थात राउत नृत्य में केवल और केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। इनमें अगर महिला कलाकार की आवश्यकता होती है तो पुरुष लोग ही महिला वेश धारण करके महिला की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सभी के सभी कौन होते हैं? पुरुष। जैसे सुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से राउत नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये एक विजय प्रतीक नृत्य है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस वध का दोहों के रूप में, चौपाई के रूप में वर्णन किया जाता है। नृत्य में शौर्य का प्रदर्शन होता है, विशेष प्रकार का वस्त्र आभूषण, चटकीला भड़कीला वस्त्र आभूषण प्रयोग किया जाता है, बांस की मड़ी के चारों ओर आयोजित होता है, इनके हाथों में जो है वो आपका सजे धजे बांस के डंडे होते हैं और गड़वा बाजा पे ये नृत्य जो है किया जाता है। इस राउत नृत्य को केवल पुरुष करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं बेटा, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है।